यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब? कैसे हो? वेलकम बैक हो चुका है गाइस स्टीव आदित्य की ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो गाइस आपका दोबारा से वेलकम हो चुका है हमारे फेवरेट गेम क्राफ्टमैन 5 के अंदर अंदर। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ आप सभी लोगों को भाई, क्राफ्टमैन 5 की वीडियोस अपलोड किए भाई मेरे को 10-12 दिन हो चुके हैं भाई, इसलिए भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है मेरे को। लेकिन भाई उस सभी के लिए मैं उसका रीज़न भी बता दूँ, क्योंकि भाई मैं अपना अभी अपने सर्वर के देख रहा था गाइस, सर्वर बनाने की कोशिश कर रहा था। सर्वर इवन तो मेरा सर्वर बन भी गया था, मेरा सीवर बन भी गया था, सर्वर बन भी गया था। तो भाई मैंने उसको क्राफ्टमैन 5 में इम्पोर्ट करने की कोशिश कर रहा था मेरे को मैं इतने दिनों से। और भाई मैं उसी से करते करते अपना सर्वर को अपने इस क्राफ्टमैन 5 में ओपन करते 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 मैंने भाई एक ऐसी चीज कर दी है कि भाई लिटरली भाई मेरे को वो नहीं करनी चाहिए थी भाई। अब मैं पछता रहा हूँ कि मैंने वो चीज़ क्यों करी भाई। आप सभी को देख रहे होंगे कि भाई मेरी मेरी स्किन गायब हो चुकी है मेरा भाई। भाई मैं अपने हुआ क्या कि भाई मैं अपना सर्वर क्राफ्टमैन 5 में इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो भाई मेरे क्राफ्टमैन 5 में पता नहीं क्या हुआ, मेरी स्किन गायब हो गई, मेरे जितने वर्ल्ड थे वो सब डिलीट हो गए हैं। एंड भाई जितने भी वर्ल्ड थे सब डिलीट हो गए हैं भाई, मैंने 2 वर्ल्ड बना के रखे हैं ये भाई, मैं खेल रहा था इसमें। और भाई मैं आज उसी से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भाई अब भाई मेरे उसमें वन ब्लॉक स्टीव की ना मैंने इतने सारे 2 वर्ल्ड मेरे भाई डिलीट हो चुके हैं, और मैंने सबसे बड़ी बात तो उन वर्ल्ड का बैकअप भी नहीं बनाया था। तो भाई बहुत गंदी बीटी हो चुकी है, तो इसलिए भाई मैं अब ये गेम खेल रहा हूँ गाइस। तो यार मैं दोबारा से भाई अब मेरे को वही करना पड़ेगा भाई, दोबारा से मेरे को अब वो अपना एक वर्ल्ड बनाना पड़ेगा, दोबारा से उस स्टीव किंगडम को दोबारा से रिबिल्ड करना पड़ेगा भाई। भाई मैंने कहाँ सोचा था कि मैं इसको इतना प्यारी प्यारा वर्ल्ड बनाऊंगा भाई, कहाँ वो वर्ल्ड डिलीट हो गया यार। जी जी बॉयज, हे भाई, और या तो सर्वर भी ऐड हो जाता भाई, सर्वर भी इसमें इंपोर्ट नहीं हुआ भाई। जी जी रे भाई, अब पूरे वर्ल्ड को दोबारा से बनाओ, उसको दोबारा से बिल्ड करो, उसको खेलो, बहुत ज़्यादा घंटा टाइम लगने वाला है। तो भाई करेंगे यार ब्रो, अब और कुछ नहीं कर सकते। तो भाई इसलिए मैं अब दोबारा से भाई, अब इस बार चैलेंज ले लिया है तो करूँगा भाई, मैं दोबारा से इस पूरे वर्ल्ड को बनाऊँगा, और दोबारा से भाई इस बार और अच्छा, इस बार और बेटर भाई, इस बार और बेटर होगा। तो भाई सीधा वर्ल्ड के अंदर चल लेते हैं, मैंने पहले से एक वर्ल्ड खेल के देख रखा है कि भाई मैं किस में अपना स्टीव किंगडम को दोबारा बिल्ड करूँगा, वो ये वाला वर्ल्ड है गाइस, इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे को स्टीव किंगडम। ओके भाई, यहाँ पर को मैंने स्टीव किंगडम इसको दे तो दिया है नाम, और फटाफट से इसको क्रिएट कर लेते हैं भाई, अब सीधा प्ले करते हैं। चलो यार बनाएंगे भाई, करेंगे भाई, मेरे को अभी भी ऐसा हो रहा है ना यार, मेरा वो वर्ल्ड भाई, ओ भाई ठीक है भाई, पछताने से कुछ नहीं होगा भाई, इसको मैं और अच्छा बनाऊंगा, देखो भाई बस तुम वॉच करो भाई, एंड इसमें प्यार दिखाओ भाई, इसमें मैं करूँगा भाई, इसमें तो देखो तुम भाई। ओके गाइज, मैं अपने वर्ल्ड में आ चुका हूँ, जो मैंने यहाँ पे को देखा था कि मैं गाइज देखो, मैंने यहाँ पे को एक इसलिए छाटी है क्योंकि भाई ये मेरे को अच्छे लगे, क्योंकि देखो भाई अपना पुराना वाला वर्ल्ड भी 2 बायोम में था ना, तो इसलिए मैंने ये भी 2 बायोम में ही मतलब ये जगह सेलेक्ट किया, और मैंने ये जगह ढूंढी। एंड अभी रात हो रही है तो भाई सिंपली सो ही जाते हैं, और मैं सुबह गाइज पूरा टूर करवाता तुमको कि मेरा मैंने ये यहाँ पे को क्यों क्यों क्या क्या है मेरे लिए, ठीक है, यहाँ पे को मैंने क्यों भाई, यहाँ पे को ये मेरे को अच्छी प्लेस मिल गई भाई बहुत ज़्यादा। चलो मैं बताता हूँ तुमको कैसे, रुक जाओ सो लेते हैं पहले, नेक्स्ट मॉर्निंग चलते हैं। ओके ऑल राइट गाइज, यहाँ पे को नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, और भाई साहब ये देखो मैं बता था ना गाइज, यहाँ पे को ये अपना कुछ वर्ल्ड है ठीक है, इधर पे को ये अपना मैंने अपनी कोई प्लेस ढूंढ रखी है, क्योंकि भाई अपना पुराना जो स्टीव किंगडम है ना भाई, वो भी 2 वर्ल्ड 2 बायोम के मिलने से बन रहा था, तो मैंने यहाँ पे को भी वो 2 बायोम जैसा ढूंढा। और अब देखो भाई मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, देखो ये वर्ल्ड मेरे को क्यों पसंद आया, क्योंकि भाई अब देखो ना, इस वर्ल्ड के बगल में एक विलेज है। ओके ये तो भाई कुछ नहीं है ठीक है, एक विलेज तो है ही है, जो मैंने अभी तक लूटा भी नहीं है भाई, मैं इसके अंदर गया भी नहीं हूँ जरा सा भी। और भाई देखो तुमको दिखाता हूँ मैं, ये विलेज है, और इसी के विलेज के बगल में एक लावा पूल भी है भाई। ये तो बस वही सी सीन हो गया, मतलब अपनी एक
स्टीव किन्नम वाला ई हो गया भाई, जो मैं पुराना वर्ल्ड था ना, वो ही ऐसी प्लेस मिल गई मेरे को। बस मैंने ये अभी तक इसको लूटा भी नहीं है, और भाई मैं अभी लूट भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को इस वर्ल्ड को अब जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा बनाना है। और भाई मेरे को, मैं कुछ भी करके वो बनाऊंगा ही बनाऊंगा भाई। कहाँ पूरा डायमंड का आर्मर हो गया था भाई, फुल एन्चांटमेंट, वो भी मैक्स एन्चांटमेंट भाई। जी, रे कोई दिक्कत नहीं भाई, पछताने से कुछ नहीं होता है ब्रदर, अब होगा सिर्फ करने से भाई। तो गाइस मैं यहाँ पे को आज मैं वीडियो बनाऊंगा अपने पहले घर की, क्योंकि गाइस हम मैं सीधा सिंपल यहाँ पे को पूरा स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि हम अपना यहाँ पे को आप बनाने वाले हैं पहला घर, जो कि इस बार स्टीव किंगडम से कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल होने वाला है भाई, पुराने वाले स्टीव किंगडम से बहुत ज़्यादा ही। तो मैंने यहाँ पे कोई प्लेस छोटी थी, और यहाँ पे को इस तरफ को मैं घर बनाऊंगा अपना। इसको तो भाई मैं और बैठ के देखूँ कितना प्यारा बना दूंगा भाई, देखो तुम। उससे पहले गाइस अपने को जो तो सामान चाहिए मैं वो लेके पहले यहाँ पे को पहुँच जाता हूँ। सबसे पहले तो भाई वुडी का बनाएंगे, मेरे को ढेर सारी वुड चाहिए, ढेर सारे से मतलब बहुत ज़्यादा। तो भाई फटाफट बता दो, मैं ले लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको सीधा कलेक्ट करने के बाद ही। चलो ओके बॉयज़, मैं उस वाली जगह को छोड़ के इधर आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे को पूरा जंगल है, तो मेरे को यहाँ पे को एक एक पेड़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे को भाई बर्च भी चाहिए भाई, मैं इस बार तीन, जो अपने तीन वुड होते हैं ना, उसको मिक्स करके घर बनाना। और भाई जो क्रेजी घर बनेगा ना, वो तुम बस उसकी लुक देखो भाई, तुम टेंशन देखो तुम भाई, बस इसमें मेरे को बर्च भी चाहिए, ऑग भी चाहिए, और अकेसिया का वुड भी चाहिए भाई, इन तीनों को बनाऊंगा। और भाई ये 1.20 है ना गाइस, मैंने इस वर्ल्ड को 1.20 में बनाया है। तो गाइज इसमें हम अपना बैम्बू का भी इस्तेमाल करेंगे, तो बैम्बू के मस्त मस्त ट्री आते हैं, ट्रैप डोर्स आते हैं, वो उसके प्लैंक से भी आते हैं, तो भाई वो भी थ्रू करेंगे। और हमारी खुश नसीबी कि हमारे पीछे ही एक उश, ये क्या था भाई, भाई अभी निकल गई थी खुश नसीबी, दो हाथ में बचाऊं मैं भाई। भाई मैं कह रहा था हमारी खुश नसीबी कि हमारे जस्ट पीछे एक जंगल ट्री, जंगल बायोम भी है, जो कि जहाँ पे को भाई क्या बोलते हैं उसको, बैम्बूज तो होते हैं, मैं वहाँ से भी ले आऊँगा। तब तक के फटाफट से सामान वामान इकट्ठा करते हैं भाई, और सीधा मैं तुमको मिलता हूँ प्लेस में ही। चलो ये भाई मैं अपना सारा सामान लेके आ तो गया हूँ, और भाई ये देख लो भाई, एक ये ज़ॉम्बी ने मेरा जीना हराम कर दिया था। ले भाई निकल भाई, इतने ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे हैं, और तू भी इधर को आ बैठे क्रीपर, तू भी पिटेगा देख भाई। अगर इसने मेरे को भाई, इसको मेरे को अपनी प्लेस में से दूर लाना पड़ेगा पानी में, तो भाई मैं इसको फटाफट मारूं यार। आ तू पानी में आ बैठे, तू आ ना, तू इधर आ ना, तू इधर आ ना बेटे, इधर आ के तो दिखा, आ मुंह पे जाके फूटूंगा, चल फूट। ओके देयर वी गो गाइस, अपने क्रीपर को तो फुटवा दिया, एंड चलो अब अपना सामान बनाते हैं भाई। थोड़ा बहुत मेरे को स्टोन तो लाइक इतने से होगा नहीं होगा मेरे को नहीं पता, पर मैं थोड़ा और ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे भाई, थोड़ा बहुत स्टोन भी लाऊंगा। मैं पहले आपको सामान दिखा देता हूँ मैं क्या क्या लेके आया हूँ, ठीक है। तो भाई इतना सामान में लेके आया हूँ, और मैं बैम्बू इतना काम इसलिए लेके आया हूँ, क्योंकि भाई बैम्बू ग्रो हो जाते हैं, यू नो बैम्बू ग्रो हो जाते हैं, तो भाई मेरे को उसके लिए कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इधर पे को ऐसे करके लगा देता हूँ, ये हो जाएंगे भाई अपना ग्रो, जब तक मैं घर बना रहा हूँ, अरे जब तक मैं घर बना रहा हूँ ये अपना हो जाएंगे। मेरे को वैसे भी घर उधर साइड को बनाना है, तो ये इधर आए अपना होते रहेंगे, इसको मैं रख लेता हूँ। तो गाइस इतना सामान मैं लेके आया हूँ, और एक ये यहाँ पे को रह गया, इतना सामान मैं लेके आया हूँ, और थोड़ा बहुत अपना स्टोन हो गया, एंड अभी अपनी क्राफ्टिंग टेबल इधर पे रखते हैं। और भाई इस स्टोन से ना सीधा हम बना लेते हैं अपना स्टोन, मतलब कॉबल स्टोन से सीधा हम बना लेते हैं स्टोन। तो तीन अपने पास बहुत रहेंगे, एक दो तीन, ओके गाइस मैंने यहाँ पे को अपना स्टोन पकने को लगा दिया, और देखो मैंने कहा था ना भाई बैम्बू ग्रो हो जाएंगे अपना। चलो अब इतना काम हो गया, अब भाई मेरे को सीधा बनाना है अपने उसका बिल्ड। तो भाई स्टोन तो मैंने सभी लगा, अच्छा थोड़ा बहुत स्टोन ये है ना, ये अपना काम आ जाएगा ब्रो, मेरे को थोड़ा और स्टोन लेके आना पड़ेगा, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई बेटी नहीं है।
हो भाई दोबारा से घर बनाओ वो सब बनाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई। थोड़ी बहुत मेरे को शवल भी चाहिए होगी तो बना लेते हैं फटाफट भाई। अपने पास स्टोन तो है, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक शवल तो बन जाएगा। ठीक है गाइस, तो हमको बस यहाँ पे को, ठीक है, मैं यहाँ इधर साइड को अपना घर बनाऊंगा, इधर साइड को, यू नो, इधर साइड का बनाऊंगा। तो मेरे को थोड़ा बहुत ये खोदना तो क्या ही पड़ेगा भाई, मेरे को जब मैं बनाऊंगा उससे उसके अकॉर्डिंग देखी जाएगी, नहीं तो मैं खोद दूंगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं इधर से बनाऊंगा, तो सिंपली मैं अपना जो वो है ना, अपना जो बिल्डिंग वो है, जो अपना ये है, मैं इसको ले आता हूँ, और थोड़े बहुत ये प्लैंक इसके भाई। अभी तुम देखो बस, लुक देखो बस भाई। अच्छा ये हो गया अपना। तो गाइस अब मेरे को सिंपली यहाँ पे को अपना एक वो बनाना है, इसको साफ कर लेते हैं भाई। पानी की बकेट भी नहीं है, बताओ बताओ, ऐसे दिन आ गए भाई। अब पानी की बकेट, एक पानी की बकेट नहीं है भाई अपने पास। अरे मैंने भाई अभी गोलम को, उधर वाले गोलम को मारा भी नहीं होंगे भाई, कितने गंदे दिन आ गए। तो सिंपली भाई एक पहले एक आराम से एक नक्शा बना लेते हैं यहाँ पे को, ठीक है, यहाँ पे को बनाएंगे। तो सिंपली अपना ये और ये ब्लॉक होगा अपना, मतलब वो ही दरवाजे दरवाजे का सेंटर। तो अपना इधर से तो एक ब्लॉक छूट के, मतलब ऐसे एक दो तीन, जैसे एक हो गया यहाँ पे, कोई एक छोड़ के लगेगा ये स्टोन ऐसे, मतलब ये वुड ऐसे, ठीक है, ये एक छोड़ के लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे से जाएगा लाइक ऐसे, एक हो गया, दो तीन चार पाँच छः, अरे यार, जैसे दो तीन चार पाँच छः, तो छः पे आ रहा है तो यहाँ पे को, ठीक है, छः पे आ रहा है यहाँ पे को, तो वैसी एक दो तीन चार पाँच, पाँच ही पे होगा ना, एक दो तीन चार पाँच, क्योंकि छः एक ही हो जाएगा। तो इधर भी सेम होगा, एक दो तीन है, इधर तीन बच रहा, उधर चार क्यों बच रहा, सॉरी ये यहाँ पे को आएगा। तो कुछ ऐसी सी अपनी उसकी बेसिक सी थीम होगी। तो भाई मैं पूरा एक जितना भी अपना पूरा नक्शा है वो बना के मिलता हूँ। और इसको भाई क्या दिक्कत है भाई, जरा से भी इसको कितनी गंदी चीज़ें बेच रहा भाई, चले जा तो इसको पहले मारने से पहले। तो वैसे फटाफट अपना एक पूरा अपना जो भी है ना ब्लू प्रिंट बना के मिलता हूँ, बस 2 मिनट में रुको तुमको, हाँ बस ब्लू प्रिंट बनाता हूँ, चलो। ओके ऑल राइट गाइज, मैंने यहाँ पे को अपना जितना भी ये ब्लू प्रिंट का काम था पूरा हो चुका है गाइज। मेरा कुछ घर ऐसा सा बनेगा भाई, देख लो सभी, देख लो, कुछ ऐसा सा घर बनेगा भाई, कुछ अतरंगी सा ये है। अभी तो मैंने कुछ अतरंगी ही बनाया है, अभी मैं भाई तुमको बता देता हूँ ये कि क्या होने वाला है भाई। देखो कितना मस्त भाई ये घर, बहुत क्रेजी लगने वाला है। कुछ ये मैंने ऐसा अपना ब्लू प्रिंट तैयार कर रखा है। एंड अब मैं बारी आते गाइज इसको भरने की, तो मैं बता दूँ पहले, जो अभी हम वुड निकाल लेते हैं यहाँ से, जो वुड है वो जैसे कि एक ही हो गई, दो तीन चार पाँच, ऐसे हर एक ब्लॉक में पाँच पाँच की हाइट में जाएगी, दो तीन चार पाँच, ये हर ब्लॉक में ऐसे पाँच पाँच की हाइट में जाएगी गाइस। और भाई ये सब ऐसे करके भाई मैं इसको सबको एक बारी फिलअप करके, और गाइस ये जो है ना इसको हम नहीं करेंगे, ये तो मैंने खाली ऐसे बनाने के लिए दिखा रखा है, जैसे एक दो तीन चार, चार ही होंगे ना, हाँ से एक तो ये है, दो तीन, यार वुड भी अभी खत्म होनी थी। ओके गाइज, मैंने अपना यहाँ पे कुछ जितना भी अभी फिल्म का काम है मैंने वो सब कर दिया। और मैंने गाइज ऊपर की रूफ भी भर दी है, और मेरा मेरा जो नीचे का एक फ्लोर है वो बन के तैयार है गाइज। मैं इसमें 2 फ्लोर बनाऊंगा, मैं पहले बता देता हूँ आपको, और मैं आपको भी ऊपर से लुक दिखाता हूँ कि ये लग कैसा रहा है भाई। देखो जरा ये इतना मस्त लग रहा है ना भाई, ये देखो भाई, ये ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा है भाई, मैं अगर इसको ऊपर जा पाऊँ तो, यस ये ऊंच ऊपर से ऐसा लग रहा है। और गाइस मैंने कहा था ना ये होगा,
जो अब ये है ना गाइस वो अब यहाँ से होगा। देखो जैसे एक ये होगा, जैसे एक यहाँ, दो ये हो रहे हैं इधर और एक में बिन लाए, तो गाइस अब ये होगा इधर तक फिलअप पूरा। बस ये नीचे से नहीं होगा गाइस, मैं अभी नीचे से मैंने तोड़ भी दिया, मैंने दिखाया होगा नहीं दिखाया होगा तुमको पता नहीं, मैंने ये नीचे से तोड़ दिया क्योंकि अब ये यहाँ पे आके बनेगा तो भाई ये बहुत ज़्यादा। ये देखो मेरे काम देख लो भाई, मैंने फिलअप कर रखा है, काम देख लो भाई, अभी इसको ला के फिलअप करना पड़ेगा यार। छी भाई बे यार, काम भी तो मेरे है ना खतरनाक भाई। भाई मेरे क्या करूँ यार भाई, वही ख़त्म हो गया, क्या बोलते हैं उसको, बर्च के लॉक ही ख़त्म हो गए भाई। इतने से तो कुछ नहीं हो रहा है, ये इतने से तो कुछ नहीं होगा भाई, ये तो बहुत चाहिए भाई बहुत। नीवी नीवी तो भाई दोबारा मेरे को आप लेके, मैं आप बहुत सारे आ जाऊँगा भाई, इस बार नहीं देख रहा मैं, इस बार मैं जा रहा हूँ लेने भाई, अब भी जा रहा हूँ बस। वो भाई इसको मेरे को बनाते बनाते मेरी हालत ख़राब हो गई भाई। हाँ तो गैस देखो मैंने यहाँ से नीचे तोड़ दिया ना, ये देखो नीचे से मैंने तोड़ दिया इधर से, अभी यहाँ पे को पूरे में आएगी अपनी स्टोन की, जो अपने वो होते हैं स्टोन ब्रिक्स की, वो आएगी अभी यहाँ पे से पूरी की पूरी अंदर से ले आ, जो कि अपने स्टोन यहाँ पे पक चुके हैं ऑलरेडी। हम गैस नेक्स्ट मॉर्निंग मैं सीधा उठ के जाता हूँ और सीधा यहाँ पे को आके भाई अब सीधा इसमें काम शुरू करते हैं। तो भाई गुड नाइट यार सभी को, एंड मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग पे भाई। चल राइट गाइस, मैं यहाँ पे कुछ जितना अब मैं भाई ज़्यादा ही लेके आया हूँ भाई, मैं अब की बार मैं तीन तीन स्टाइल लेके आया हूँ सामान को, एंड अब देखते हैं भाई मेरे को उसको कितना टाइम लगता है बनाने में, एंड अपना जो मैं स्टोन है वो इसमें डाल देता हूँ भाई, क्योंकि अब इसमें इन सब में से स्टोन ले लेना चाहिए मेरे को भाई। मुझे लगता है स्टोन निकाल लो भाई, आयरन तो चाहिए था यार, एक आयरन तो लाना चाहिए था भाई मेरे को। अभी मैं थोड़ी देर थोड़ा स्टोन ढूंढने जाऊंगा ना, एक आयरन को पक्का लेके आऊंगा, क्योंकि भाई यार स्टोन कटर चाहिए ना, स्टोन कटर से सही होगा। तो अब भाई फटाफट अब चलते हैं भाई दूसरे वाले फ्लोर की तरफ को, जहाँ पे को हमको जाना है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत दौड़। चलो ठीक है बॉयस, चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। देखो भाई ऊपर वाला फ्लोर काफ़ी सिंपल रहेगा, ऐसा सा मेरा ऊपर वाले फ्लोर का भी ऐसा सा कुछ ब्लूप्रिंट रहेगा। और भाई मेरे को ये बनाते बनाते रात हो गई है, भाई नीचे इतने सारे ज़ॉम्बी हैं, मैं अपना बेड अच्छा हुआ ऊपर ही ले आया था। और भाई मेरा देखो ऊपर वाले फ्लोर का भी कुछ ऐसा सा बना रखा है भाई, सिंपल ही बनाया, ज़्यादा कुछ उछाट बना नहीं करा है। तो फटाफट मैं पहले सोता हूँ और फिर इसका काम सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट करता है। तो गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग पे। चलो हाँ आके सोना पड़ा है भाई, नीचे पता नहीं क्या ही दिक्कत हो रही है, और मकड़ी को मेरे से पहले जल्दी दिक्कत होने लग गई है भाई। ये देखो ये मारेगी मेरे को, चटकाएगी, अच्छा नहीं हो रही है क्या, मार रही फिर भी मार के। ठीक है तो गाइज इतना काम हो गया मेरे को, इसको भी गाइज यहाँ पे को पाँच पाँच ब्लॉक ही ऊपर अप करना है। तो जैसे एक ही हो गया, दो तीन चार पाँच, ऐसे एक दो तीन चार पाँच, कुछ गाइस ऐसे करके मेरे को इसको दोबारा से अप करना है। तो फटाफट गाइस मैं इसको करने के बाद मिलता हूँ बस तुमसे दो मिनट में। चलो ओके ऑल राइट गाइस, मैंने यहाँ पे को इसको फिलअप कर लिया है, और अभी मेरे को नीचे से थोड़ा बर्च लाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे के लिए भाई इतनी गरीबी आ गई है कि मैं एक्स नहीं बना पा रहा हूँ अपने के लिए। और भाई मेरे को अभी स्टोन माइन करने के लिए भी जाना है। जी जी बॉयज जी, कोई दिक्कत नहीं ब्रो, यहाँ पे सर मेरे को थोड़ा यहाँ पे को देखो सेम नीचे वाले जैसा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सेम नीचे जैसा बना है, वैसे इसको करना है भाई। इसकी बस्ती है रूप, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में पूरी कर लूँगा। तो गाइस मैं पहले नीचे जाकर तुमको दिखा देता हूँ कि अपनी ये फाइनल लुक आ कैसी रही है इसकी। भाई ये देखो कुछ ऐसा सा मेरा घर बनने, घर तो क्या है मतलब तगड़ा सा होम, और वो वहाँ पे को जो मकड़ी है उसको तो बताऊँगा मैं थोड़ी देर में, कुछ ऐसा सा बनने वाला है भाई। देखो देख सकते हो आप भाई, ऊपर से भी नीचे से भी सेम है, बस थोड़ा वो वुड में और उसमें दिक्कत है, बस ऊपर और नीचे से थोड़ा सेम है। एंड अब मैं भाई मैं ऊपर वाली रूफ का वो कंप्लीट करता हूँ, एंड अब इसको मैं भाई पूरा कंप्लीट करके ही मिलता हूँ। सबसे पहले मैं ले आता हूँ ब्रो स्टोन, ले आते हैं चलो सबसे पहले थोड़ा बहुत, चलो थोड़ी देर में।
तो फिर अब मैं फिर सीधा इसको बिल्ड करूँगा ना भाई, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है, फटाफट स्टोन लेके आते हैं। चलो भाई, स्टोन की जगह तो बहुत है इधर पे, ये देख लो कैसे गड्ढे हो रहे हैं, पता नहीं ये कैसे हो रखे हैं भाई ये, पर हो रखे हैं। बस यहाँ पे को मेरे को एक आयरन क्या मिलेगा, एक आयरन, कोल तो दिख रहा है भाई, कोल तो उठा लो भाई, अगर कोल जितना दिख रहा है कोल तो ले लो भाई। हाँ ओके गाइज, मैं यहाँ पे को अपने लिए एक स्टैग करीब वो लेके आ चुका हूँ, वुड मतलब वुड जो कह रहा हूँ कॉबल स्टोन, एंड भाई मेरे को एक आयरन मिल गया था भाई पानी के अंदर, वहाँ से निकाला मैंने। और भाई यार सॉरी यार भाई, मेरी आवाज़ अगर आपको कुछ आज ज़्यादा ही डल डल सी लग रही है तो भाई यार मूड ऑफ है भाई यार, मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी गाइज यार, अब मेरा मूड भाई पूरा का पूरा भाई वर्ल्ड चली गया है भाई, मूड ऑफ है भाई आज। छी यार भाई यार, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना भाई, आज मूड ऑफ है यार भाई, पूरा का पूरा वर्ल्ड चले गया भाई मेरा, मेरे को ऐसा हो रहा है ना। और ये देखो आ, तू आ तेरे पे निकालूं पूरा गुस्सा, आ जा बेटा आ जा, तू आ जा घर को, आ कत्तारी है, कत्तारी है, कत्तारी। ओए भाई अटक गया था भाई गेम अभी। चलो भाई फ्री फॉकट का आर्मर दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो भाई अब बनाते हैं हम अपना ऊपर वाला घर को, जो मतलब ऊपर वाले घर का हम सीधा भाई, अब मैं इसको बिल्ड करने के बाद ही मिलता हूँ तुमको, बस भाई चलो सीधा बिल्ड करने के बाद मिलते हैं 2 मिनट के अंदर ना तुमसे, है ना भाई। तुम इसकी फाइनल लास्ट लुक देखो भाई, ये अभी कैसा है, एंड जब मैं इसको पूरा बिल्ड कर दूँगा तब कैसा लगेगा भाई। चलो ठीक है, देख लिया सब ने, चलो अब देखो भाई इसको, बस मिलते हैं भाई 5 मिनट में तुमसे यहीं पे को, बने रहना वीडियो में, देखते हैं भाई कि ये घर मेरा कितने को मस्त लगता है, अगर जितने को भी प्यारा एकदम बढ़िया लगे ना ओपी भाई, वो सीधा यहाँ पे को थम वाला जो इमोजी होता है ना वो कमेंट में कमेंट कर देना भाई। चलो भाई देखते हैं कितना आज मैं कैसा बिल्ड करते हैं, चलो भाई मिलते हैं बस 5 मिनट में यहीं पे को। चलो तो यस गाइस, वेलकम बैक हो चुका है गाइस, हम दोबारा आ चुके हैं, अपना पूरा का पूरा बिल्ड जो किया मैंने कंप्लीट कर दिया। और भाई मैंने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा रिजल्ट मिलने वाला है भाई, 3.5 घंटे की मेहनत मैंने एक घर में बना दी, लिटरली मैंने पहले वाले घर में जो मेरा पहला वाला वर्ल्ड था मैंने वो उसमें भी नहीं की होगी जितनी मेहनत मैंने इस घर में कर दी है भाई, लिटरली भाई 3.5 घंटे से। ओ भाई, और भाई वो फाइनल रिजल्ट भाई इतना क्रेजी है ना भाई, तुम देखोगे ना तुम भी कहोगे भाई, मैंने कह रखा भाई अगर वीडियो अगर पसंद आई होगी ना तुमको, अगर भाई अगर वो घर पसंद आया हो ना भाई, भाई कमेंट में भाई थम वाला इमोजी भाई प्लीज़ कमेंट कर देना भाई, बहुत भाई 3.5 घंटे की मेहनत। तो गाइस तुम लोग रेडी हो वो मेहनत मेरी देखने के लिए, तो गाइज उससे पहले यार अगर जिस तो भी चैनल पे नहीं हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो भाई, जो पुराने जो आप पुराने वीडियोस में प्यार दिखाते थे इसमें भी वही दिखाओ भाई, इसको मैं और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल वीडियो नेक्स्ट लेवल वर्ल्ड बनाऊंगा, तो गाइज इसमें भी वैसी प्यार दिखाओ और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये देखो भाई, डैम ब्रो भाई लिटरली ये क्या लग रहा है यार भाई, लिटरली तो मैं भाई टूर दे देता हूँ एक छोटा सा यार, यू नो मेरे घर का एक प्यारा सा टूर दे दूँ भाई, क्या लग रहा है। देखो भाई ये अपने घर की फ्रंट एंट्री, यहाँ से ऊपर जिसको जाना है ऊपर चले जाए, ऊपर वाले कमरे में जिसको जाना है भाई, ऊपर वाला भी कमरा एक छोटा सा नॉर्मली कमरा है बना रखा है मैंने, यहाँ से मन हट गया बाहर चले जाओ, यहाँ गैलरी में ढहल लो थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत ऐसे फैन अपने फैन लोग आए उनको हाय बोल दो, ज़्यादातर फैन मेरे फैन लोग ज़्यादातर रात में ही आते हैं, बस रात में आना तुमको दिखाऊंगा कभी, अपने फ़ैन लोग मेरे रात में ही आते हैं। और यहाँ से नीचे उतरो और फिर भाई यहाँ जाओ अपने मेन रूम में, भाई क्या लग रहा है ये, डैम ब्रो ये देखो भाई ये अपना कुछ ऐसा है। और इसका मैं थोड़ा हाइट पे हाइट मिल जाए ना, हाइट पे जाके थोड़ा और तरह तरीके से दिखाऊं मैं इसको,
ये देखो भाई, ये कुछ ऐसी सी लुक आई है मेरे घर की भाई, क्या खतरनाक लुक आ रही है भाई। डैम बे भाई साहब, मेरे को तो बहुत प्यारा लगा भाई, 3.5 घंटे की मेहनत है। अगर तुमको ये मस्त लगा तो प्यार नीचे कमेंट बॉक्स में भाई एक थम का इमोजी डाल दो। ये अपनी दूसरी सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट हो रही है भाई, जो कि अपनी स्टीव के नाम, वही अपना वर्ल्ड का नाम है। बस भाई वर्ल्ड डिलीट हो गया है, लेकिन इस स्टीव किंगडम को लिटरली भाई मैं बहुत आगे ले जाने वाला हूँ। देखो भाई, इसका तो मैं पहले से ही बहुत चीज़ें करके रखूँगा। नीचे उतरते हैं फटाफट से। नीचे भी क्या यार भाई, मेरे को ये घर देखने में ना अलग ही मज़ा आने लग गया भाई। ये घर ना भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल भाई, क्या लग रहा है भाई। डैम दे ओ भाई। तो गाइज, अगर आप वीडियो रुक जा रुक जाता, पहले थोड़ा फ्रंट स्क्रीन करते हैं, रुको थर्ड स्क्रीन पे आते हैं, रुक जाओ गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगा और ये घर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो पुराना वाला भाई तुम प्यार इसमें दिखाते थे ना, वही प्यार इसमें भी दिखाओ। और भाई इसको भी हम थोड़ा नेक्स्ट लेवल ले जाए भाई, थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट और थोड़ी मेरी मेहनत, फिर देखो भाई क्या करते हैं हम इस वर्ल्ड का भाई। वो तो गलती से भाई हो गया दिक्कत भाई यार, जहाँ भाई मैंने पता है सर्वाइवल जो वो सोचा था ना मैं अपना एक सर्वर भाई, वो क्राफ्टमैन 4 में भाई वर्क ही नहीं कर रहे भाई। कोई भी सर्वर क्राफ्टमैन 4 में वर्क ही नहीं कर रहे भाई। मैं तो ये सजेशन करूँगा तुम भी अपने क्राफ्टमैन 4 में कुछ भी ऐसे सर्वर ट्राई मत करो भाई, तुम्हारे भी वर्ल्ड वर्ल्ड उड़ जाएंगे भाई, जैसे मेरा हुआ है भाई। तो इसलिए भाई ये करो, और मैं देखता हूँ कि भाई मेरा जो मेरा गोल है श्री मतलब एक उसका, मैं देखता हूँ या तो फिर इसमें या तो फिर माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में या फिर, लेकिन भाई आई होप करता हूँ कि भाई वो क्राफ्टमैन 5 में ही आ जाए अपनी एक सर्वाइवल मतलब सीरी मतलब सर्वाइवल जो भी एक सर्वर भाई आ जाए प्लीज़। और भाई ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम आपको तब तक के लिए, गुड बाय बाय।